नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, सितारगंज सीट से विधायक सौरभ बहुगुणा की यूपी के शूटर से हत्या कराने की योजना का पर्दाफाश हुआ है। साजिशकर्ता कैबिनेट मंत्री की यूपी के पेशेवर कातिलों से हत्या कराना चाहता था। सुपारी की योजना लीक होने पर पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आरोपी का नाम हीरा सिंह बताया जा रहा है। हीरा सिंह अवैध खनन भी करता है, वह जेल भी जा चुका है और अपने जेल जाने के पीछे की वजह मंत्री सौरभ बहुगुणा को मानता है। आज लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा है। किसान यूनियन भानु के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे चंदन पैलेस में पहुंचेंगे। आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी में रविवार की सुबह से ही झंडों का जुलूस विभिन्न मोहल्लों से निकाला गया। स्थानीय कस्बा जैदपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बहुत हर्षोल्लास के साथ रसूल की आमद का जश्न मनाया गया। इस दौरान अंजुमन मुहम्मदी सहित भारी संख्या में कस्बे की अन्य अंजुमन शामिल रही। खबर सितारगंज से है। महाराजा अग्रसेन धर्मा ट्रस्ट में आयोजित सेठ आनंद राम जयपुरा स्कूल द्वारा मोम्स एंड मोम्स डांडिया ईव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस प्रीति प्रियदर्शनी ने मां सरस्वती के तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया। विद्यालय की महिला अध्यापकों और बच्चों ने कई कलाएं भी प्रस्तुत की। सितारगंज में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस ए मोहम्मदी में क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मुस्लिम समाज के लोग बड़े ही उत्साह और अकीदत के साथ मनाते हैं। लोगों द्वारा निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी की सुरक्षा के मद्देनजर सितारगंज में पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दिए ताकि कोई अनहोनी की घटना नहीं घट सके। हमारी तरफ से हर व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर चौराहे पर अपना पुलिस बल लगाया हुआ है, जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं दाएं, हर तरफ हमारा पुलिस बल चल रहा है। मैं स्वयं भी यहां पर आपके सामने हूं, तो पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। ये जुलूस शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक यहाँ से सुचारू रूप से सम्पन्न कराया। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, इसके बाद भी काशीपुर में जुलूस ए मोहम्मदी का जुलूस बड़ी शानो शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जगह जगह अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खान पान के स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल लोगों को हलवा, कोल्ड ड्रिंक्स खिलाए पिलाए। इसी के साथ ही व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आई। जुलूस जो निकाला जाता है, ये हमारे आका नबी मुकर्रम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और गुलामान मुस्तफ़ा एक ज़माने से ही जुलूस निकालते चले आ रहे हैं। वैसे ही अगर बारिश है, बारिश की वजह से भी रुके नहीं है, बल्कि उसी सुकून और सलामती के साथ में गुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं, नात खानी करते हुए और जी दुरूद सलाम पढ़ते हुए, आपस में मुबारकबाद देते हुए, माशाल्लाह इस तरह में जुलूस निकलता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मुनि की रेती स्थित मधुबन आश्रम से शहर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हरे कृष्ण और हरे राम नाम के जयकारों से तीर्थ नगरी गुंजायमान होती रही। यात्रा में शामिल श्रद्धालु रथ को रस्सी से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक खींचते हुए दिखाई दिए। मधुबन आश्रम के स्वामी परमानंद दास प्रभु ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ खुद शहरवासियों को दर्शन देने के लिए रथ में सवार होकर निकलते हैं, जो कि बड़े ही सौभाग्य की बात है। हरे कृष्णा, जैसे किसी पंछी को कैद कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसको आजाद किया जाता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, वैसे ही आज लोगों को 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होके अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव है, मस्ती का अनुभव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आनंद के समुद्र हैं और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो परम आनंद की वर्षा होती है। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी को करुणा निधान कहते हैं, अपनी करुणा बिखेर रहे हैं सभी में और सभी आनंद में छू हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। खबर दिनेशपुर से है। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 भाइयों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर जिला बदर किया गया। थाना पुलिस ने तीनों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई के दौरान वे जिले में दिखे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के परसुंडा खाल क्षेत्र के नजदीक एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल। घायल महिला को जिला अस्पताल पौड़ी उपचार के लिए ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह भूस्खलन से मार्ग संकरी हो गई है, साथ ही कई जगह
पर स्लैब पड़े हुए हैं जो कि दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। परसुंडा खाल के पास से एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पास अभी तक एक पेशेंट आई है जिनका नाम सुनीता देवी है। जो बताया गया है अभी कि दो पेशेंट और आने वाले हैं। अभी इनके एक्सरे वगैरह हो चुके हैं, सीटी चल रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं और लेग में भी फ्रैक्चर्स हैं, शोल्डर में भी फ्रैक्चर्स हैं। बाकी सब ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और अभी आगे देखते हैं, सीटी हो जाएगा, एक बार सीटी क्लियर आ जाएगी तो उसके बाद आगे ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है। डोकरानी बामर ग्लेशियर बेस कैंप से कल सुबह 10 शव वायुसेना के एलएच हेलीकॉप्टर के जरिए मातली लाए गए शवों को परिजनों द्वारा शिनाख्त कर ली गई है। डीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि मातली लाए गए शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद शव को परिजनों को दे दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान डीएम अभिषेक रुहेला सहित विधायक सुरेश चौहान ने परिजनों को ढांढस बंधाया। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।